हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सांसद अनुराग ठाकुर हमीर भवन में जिला विकास समन्वय एवं सतर्कता कमेटी की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं आरंभ की गई हैं तथा इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत सभी पंचायतों में एक थीम प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया जाएगा ताकि मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी विस्तार से प्रचार प्रसार दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब लोगों के साथ जुड़ी हुई है तथा इस योजना के बारे में पंचायत स्तर तक जानकारी अवश्य पहुंचाई जाए। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सुधार के बारे में किसी भी तरह का सुझाव हो तो अवश्य दें ताकि लोग योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बागवानी कृषि तथा पशुपालन विभागों को युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी संभावनाओं को तलाशने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि युवाओं को जिला के बाहर रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इसमें आम के पौधे के अलावा लीची अमरूद तथा नींबू प्रजाति के आधार पर बागवानी करने के लिए बागवानी विभाग को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि बागवानी के क्षेत्र में भी हमीरपुर जिला अग्रणी भूमिका निभा सके। इससे पहले उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला में केंद्र प्रायोजित स्कीमों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि इन योजनाओं के तहत चालू वित्त वर्ष में 100% लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। इस अवसर पर विधायक कमलेश कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर, एसडीएम रतन गौतम, गैर सरकारी सदस्य संजीव एडवोकेट, नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, रंजना ठाकुर, बीडीसी चेयरमैन सुभाष ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार द्वारा दी गई हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर हर 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मीटिंग की जाती है ताकि उन योजनाओं का ब्यौरा लिया जा सके, उनसे कितने लोगों को लाभ मिल पा रहा है, जो टारगेट उस वर्ष के लिए तय किए जाते हैं उसमें से कितने अचीव किए हैं। ये तीसरी तिमाही के लेकर आज रिपोर्ट ली जाएगी ताकि अगले क्वार्टर तक हम 100% अचीवमेंट कर लें। पूर्व में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि टारगेट्स को अचीव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके लाभ पहुँच पाएँ।